हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा अग्रवाल्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही झटपट टी टाइम स्नैक कम टिफिन स्नैक लेके आई हूँ। और बहुत ही सिंपल है, दो मिनट में बना पाएंगे हम। चाय के संग खाइए, गेस्ट लोग के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, ये बर्गर बंस हो या फिर वो पाव बंस हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाले बंस हो या पाव वाला बंस या बड़े बर्गर, जैसी भी आपको मर्जी है आप ले सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ा सा चीज स्प्रेड, और हमें चाहिए फ्रेंड्स ये मेयोनीज, कोई भी एग वाली, एगलेस वाली, जो भी आप खाते हो, प्लेन मेयोनीज हमें चाहिए। ठीक है, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड है ना, इसके स्लाइस मतलब इसको स्लिट करके डिवाइड कर देंगे, लाइक टॉप वी विल रिमूव द टॉप। दो पीस, चार पीस, जितना आपको बनाना है आप उतने पीसेस निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं आपको दो का सिखा रही हूं। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे स्लिट करना है, जिस क्राउन को ना निकाल देना है हमें, और क्राउन को जितना हो सके पतला काटिए, लाइक इतना यहां से ब्राउन पोर्शन दिख रहा है ना, तो जस्ट यहां से आप इसे स्लिट कर दीजिए, पूरा पूरा थ्रू कट कर देना। ओके, एंड ये वाला रख दीजिए, आप कोई टोस्ट रोस्ट करके खा लीजिएगा या सूप के संग। ये हो गया रेडी। ठीक है, ऐसे करके यहां रख लीजिए। ओके, दूसरे को भी ऐसे करेंगे, जहां तक ये ब्राउन पोर्शन ना, बस उतना ही लेंगे, बाकी ये व्हाइट वाला हमें लगेगा। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, हमें चीज स्प्रेड लगा देना है इस पे। ये चीज स्प्रेड है, अमूल है मेरे पास, आप कुछ फ्लेवर्ड भी ले सकते हैं, लाइक गार्लिक का भी आता है, टोमेटो का आता है, बहुत फ्लेवर्स की, जैलपिनो की भी आती है। थिक लेयर लगाना है हमें फ्रेंड्स, देखिए। एक थिक लेयर लगानी है फ्रेंड्स, ज्यादा किनारी पे नहीं लगाए, किनारी थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब फ्रेंड्स देखिए, चीज स्प्रेड हमने लगाया ना, अब हम क्या करेंगे, ये मेयोनीज है, ये वेज मेयोनीज है एगलेस वाली, तो मैं ये इस पे एक लेयर इसका, अगेन एक थिक लेयर इसका बनाऊंगी। ओके, जिस नाइफ से आप ऐसे रफली लगाते जाइए, इवन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, जस्ट रफली आपको ऐसे लगाते जाना है। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए रफली। ओके, जरा सा यहां पे और लगाऊंगी। ओके, ऐसे इसमें भी लगा लेते हैं फ्रेंड्स। फिर ये एक चीज हमें चाहिएगा, ये मैं भूल गई बताना, एक चीज ले आइए आप, इसे हम ग्रेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले चीज स्प्रेड लगाया, उसके बाद ये मेयोनीज एक थिक लेयर लगा दी मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इटालियन सीजनिंग है। ओके, ये पिज्जा के संग जो मिलती है पैकेट, आप रख लीजिए, वही डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं, वो मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें। ये मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स आज मसाला गार्लिक ब्रेड। ओके, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। देखिए नीचे तो हमारा चीजी टेस्ट आएगा, बिकॉज चीज स्प्रेड हमने लगाया है, एंड दिस इज मेयोनीज, ये हल्का सा मीठा एंड क्रीमी होता है, तो बीच का लेयर हमारा व्हाइट होगा बिल्कुल, और क्रीमी होगा, हल्का सा मीठा होगा, और टॉप में इसके बाद हम ये चिली फ्लेक्स डालेंगे एंड चीज ग्रेट करेंगे, तो और थोड़ा सा चीजी टेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, वेरिएशन ऑफ टेस्ट है इसमें, बट सटल भी है, जितना मिर्ची आप खाते हो उस हिसाब से डाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें मैं ये चीज ग्रेट अच्छे से कर दूंगी फ्रेंड्स।
और उसके बाद आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं अवन में, या फिर आपके पास अवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में इसे 60 सेकेंड्स के लिए जस्ट फुल मोड पे इसे माइक्रोवेव करेंगे। 30-30 करना है फ्रेंड्स, एक साथ 1 मिनट मत लीजिएगा, अदरवाइज ये आपका कड़क हो जाएगा ब्रेड। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीज भी देख लीजिए आप, ग्रेट कर दिया सब कुछ, इट्स रेडी। अब मैं इसे करूंगी बेक, ओके, मैं इसे अवन में बेक करूंगी ग्रिल मोड पे, ओके, जस्ट 5 मिनट्स के लिए। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली माइक्रोवेव कर सकती है फॉर ओनली 1 मिनट, 30+30, एक साथ 1 नहीं करना है, टुगेदर यू डोंट हैव टू डू, नहीं तो वो आपका थोड़ा चिटा हो जाएगा ब्रेड, ठीक है। अब इसे मैं अवन में लगा रही हूँ फॉर 5 मिनट्स ऑन ग्रिल मोड। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रिल मोड पे फॉर 5 मिनट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निकाल दिया मैंने अवन में, बेक हो गया है ये, देखिए नीचे से भी हल्का सा क्रिस्पी हो गया, ओके, ये देखिए, और ऊपर से हल्का सा बस एजेस ब्राउन हो जाए इतना ही। अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप थोड़ी देर और इसे ब्राउन कर लीजिए। बस मैं इसे सर्व करूंगी टमेटो केचप के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल चीजी है, ये देखिए, अंदर जो व्हाइट लेयर है वो मेयोनीज की है, हल्की सी मिठास आएगी वहां पे, और बाकी ये जो क्रीमिश लेयर है ये है क्रीम की लेयर है, जो मतलब चीज की लेयर है, एंड द व्हाइट वन इज मेयोनीज की, हल्की सी मिठास आएगी। तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जरूर ट्राई कीजिएगा। गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।